हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपा नेगी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपा नेगी ब्लॉग में। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड, इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत ही हो रही है अभी 7 बजे से, और अभी धूप नहीं आई हमारे यहाँ तो घर में, और हमारे यहाँ अभी मंदिर में ये देखिए। और आज सुबह हम जा रहे हैं जाखणी, और ये देखिए तैयार हो रहा है। अभी सुबह हम हाथ जोड़ने के लिए जा रहे हैं मंदिर में, मत्था टेकने के लिए। अभी हमारी तैयारी होगी मार्केट जाने की, यानी जाखणी चौरास। तो अभी बने रहे वीडियो में आगे आगे। तो चलिए दोस्तों, मंदिर में चलते हैं। ये देखिए हमारा मंदिर है ये। तो चलिए जी, हम भी चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा आगे। आगे मिलेंगे, अब रास्ते में मिलेंगे और उसके बाद जाखणी में मिलेंगे। चलो तो फिर दोस्तों, अभी हम रास्ते में हैं और सुबह भी आ रहा है पीछे पीछे। यह ना चढ़ाई है बहुत ऊपर जाने के लिए। मेरे पीठ में बैग भी है, अरे थैला छाछ का, इसमें से बहुत बड़ी बोतल रखी है छाछ की। आफत आ जाती है चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते। और अब हम आपको मिलेंगे सीधे जाखणी में मिलेंगे भाई, आप है ना सुबह में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जाखणी में। ये देखिए अरिया बना, हमें गाय मिले हमारे पीछे आ रही भाई गाय। कितनी सुंदर सुंदर प्यारी गाय है। अब एक बच्ची ऐसे भी दिखाते हैं, छोटी बच्चिया। ये देखिए गाय को बोल रहा था, गाय इसकी मम्मी। देखिए ये गौरी थोड़ी है नहीं है, इधर इसकी मम्मी। अरे अरे भग गई, देखो कितनी प्यारी प्यारी सोनी गाय है भाई। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सोनी बछड़ी है भाई, बछिया। बछिया डर रही है, वो अभी डर रही है। तो ये आ चुके हम जाखणी की गलियों में। सुबह भी पहुँच चुका अपनी जाखणी में। सुबह को यहाँ उसके दोस्त भी मिल रहे हैं, और अभी चलते हैं घर में। थोड़ा सा आ गया है भाई घर। अभी आ चुके हैं हम फाइनली। ये रुचि बोल, हाँ ये देखो यहाँ पर एक बड़ी सी गाय भी है भाई। तो वो पेड़ तो सुबह भी आ चुका अपने घर में। फाइनली गेट खोलो, आ चुकी। नमस्ते, ठीक है? तो चल भाई, सुबह भी जूते उतार रहे अब। तो ये देखिए यहाँ पर यह है फूल की गमले यहाँ पर। कहाँ जा रहा तू भाई? अभी स्कूल गए हैं, बिल्डिंग का काम तो काफ़ी हो गया था। ओ बेटा का। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जाखणी में, और अभी ना बच्चे बैठे हैं बाहर। अब मैं भी जाऊंगी अभी श्रीनगर गाड़ी में बैठने के लिए। तो जो ड्राइवर है ना, अभी यहाँ नहीं आएंगे, वो करेंगे श्रीनगर ही आओ बल। तो मैं वहीं जाऊँगी अब। तो अभी ना मेरी जिठानी जी भी मतलब जा रखे हैं बच्चों के स्कूल में किताब लेने के लिए। और बाकी अंजलि भी देखो भाई। हेलो बाय। अंजलि नहा धो के हो चुकी है रेडी, अभी और बच्चों से भी मिलवाते हैं आपसे। ये है शुभम। शुभम कैसा है, अब खुश है कि दुखी है? सभी हूँ। शुभम बल जब गांव से आता है तो मन दुखी है होता है बल इसका, लेकिन जब जाखणी पहुँच जाता है तब थोड़ा ठीक हो जाता है बस। शुभम ये कह रहा है, लेकिन घर से आते समय थोड़ा अनाड़ी बन रहा था शुभम, मतलब आगे पाँव नहीं बढ़ा रहा था एक कदम जाखणी आने के लिए। उसका मन पीछे ही लग रहा था, पीछे देख रहा था अपने घर की तरफ। जाखणी आके हो गया फिर से मस्त शुरू। ये हमारा बैठक का कमरा है। हाँ शुभम बताएगा, चल भाई शुभम। हमारा बैठक कमरे का दरवाजा है जो कैसे करके खोलता है सभी को पता है यार। और या कौन? ओ यार सोनी छुपी है भाई ब्लॉग में आने की वजह से। हाँ और इधर तो बाहर है गमले वगैरह, और इधर है पूजा मंदिर है ना शुभम। ये देखिए भाई, जय माता रानी की। बाकी शुभम कह रहा मैं अपना कपास का डाला दिखाता हूँ, बल मतलब पेड़ देख लो बड़ा सा वहाँ पे हो। ऐसे वो नहीं देख रहे हो जो गन्ने का आगे? अच्छा वो उसमें आते रहो साइड साइड में देखो, वो कपास है। बाकी ये देखिए भाई, अभी ना इन्होंने कपड़े ओल रखे हैं धोने के लिए, और इधर प्याज है, छोटा सा किचन गार्डन है। अरे छत पे जाने के लिए है सीढ़ियाँ,
और सुबह हम लोगों का स्कूल यहीं पर है, थोड़ी सी दूर। ये देखिए भाई, बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ पर। क्या खा रहा है? केला। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के शील्ड वगैरह टंगे हैं। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, जो नहीं इन्होंने बनाया हमारी लड़कियों ने, मतलब सोनिया और अंजलि ने। ये देखिए भाई कितना प्यारा बना रखा है। ये है अंडों की ट्रे होती है जो, ये देखिए उनसे बना रखी है। ये देखिए एक बार पीछे भी दिखा देते। ये देखिए अंडों की ट्रे से बना रखा है ये सजाने के लिए। काफ़ी प्यारा लग रहा है। खुल चुका है मेरे दोस्त, आदि उधर देखिए। तो सुबह मैं जा रही हूँ अब थोड़ी देर में गाड़ी में बैठने के लिए, बस श्रीनगर जाना होगा। श्रीनगर वही तो बुला रहे हूँ, यहाँ थोड़ी नहीं आएंगे अब। आप पैदल जाओगे श्रीनगर? गाड़ी में जाऊँगी वहाँ बैठ के कीर्तिनगर से। तो हाँ अच्छे से पढ़ाई करना, फिर एक महीने बाद आएगा गर्मियों की छुट्टी। एक महीने बाद नहीं, मई जून में तो पड़ गई छुट्टी। कब पड़ गई? अब बाल कटवाना भाई, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ बाजार से घर, यानी मार्केट से घर। और आज सुबह हम बीच चला गया तो थोड़ा सा सोना सोना सा भी लग रहा है। कल तक मस्ती करता था पूरा घर में, तो उस वजह से थोड़ा सा ना अजीब सा भी लग रहा है। तो मैं शुभम को छोड़ के आई क्योंकि कल से उनके स्कूल हैं। तो आज तो वैसे 31 तारीख थे, तो फिर संडे भी था, तो कल से तो 1 तारीख से 1 अप्रैल से उनके स्कूल खुल गए हैं सभी बच्चों के। तो अभी मैं उनको छोड़ के आई। तो बाहर के में मैंने कहीं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गाड़ी में मेरी तबीयत होती है ख़राब, और मार्केट में मेरी तबीयत ख़राब होती है हमेशा। मैं सोचती हूँ कब जाऊँगी घर, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं आप पहुँच चुकी हूँ घर, टाइम भी 2:30 बज चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। जय श्री कृष्णा।